नितेश मोटर बॉडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी का बटन है उसे जरूर दबाएं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नितेश मोटर बॉडी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं महिंद्रा बोलेरो कैंपर BS6 न्यू वेरिएंट, जिसमें हम आपके लिए 4x4 सेगमेंट वाली बोलेरो कैंपर लेके आए हैं। तो आप देख सकते हो गाड़ी के लुक्स, कुछ सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूँ गाड़ी के, उसके बाद इस गाड़ी में हम करने वाले हैं बॉडी का वर्क। तो उसके लिए गाड़ी हम ले जाएंगे नितेश मोटर बॉडी में। तो चलिए कुछ सिनेमेटिक शॉट्स को एंजॉय कीजिए। और इस गाड़ी में जो मुख्य बात है वो है कि ये गाड़ी सबसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये जो गाड़ी है हमारे पास, ये है 4x4 वर्जन में। तो गाड़ी एकदम 4x4 वर्जन में कैंपर का सही यूज किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नितेश मोटर बॉडी में, गाड़ी लगने के बाद दिखाता हूँ आपके इसके बॉडी वर्क का पूरा प्रोसेस। अंदर की तरफ हम देखें तो एकदम वही सिंपल, देख सकते हो आप, पिकअप वाला सेगमेंट मिल जाता है, जिसमें हमको इंटीरियर बिल्कुल सिंपल मिल जाता है, नॉन एसी मिल जाती है। इसमें हमको पावर विंडो नहीं मिलते, किसी प्रकार के सेंटर लॉक्स वगैरह कुछ नहीं मिलते गाड़ी में। एकदम सादा डैशबोर्ड मिल जाता है, सादी सीटें गाड़ी के, नीचे की तरफ मैटिंग भी नहीं मिलती इसमें। एकदम जो नॉर्मली गाड़ी होती है उस टाइप की सादी गाड़ी हमको मिल जाती है 4x4 वर्जन में। तो चलिए अब गाड़ी हम लगाते हैं नितेश मोटर बॉडी में और उसके बाद बॉडी का फुल प्रोसेस देखते हैं। सो गाइज, अब गाड़ी लग चुकी है नितेश मोटर बॉडी में और आप देख सकते हो इसके आगे का बम्पर है जो खोला जा रहा है ताकि आगे चैनल लगाई जा सके। और इसमें हम चैनल लगाएंगे आगे की तरफ, और पीछे की तरफ आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है अभी। तो धीरे धीरे इसमें चद्दर फिटिंग का कार्य शुरू होगा, वो भी प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आप देख सकते हो आप, इस तरफ कुछ चद्दर फिटिंग का कार्य शुरू हो रहा है। तो चद्दर को कटिंग किया जा रहा है, उसके बाद इसमें चद्दर को सेट किया जाएगा। तो चद्दर आप देख सकते हो मच्छी वाली चद्दर जो रेगुलर इसमें फिटिंग होती है वही चद्दर है। और अंदर की तरफ से जो ट्रॉली उसको साफ किया जा रहा है, उसके बाद इसमें चद्दर फिटिंग की जाएगी। ये देख सकते हो आप, डाले की चद्दर को फिटिंग किया जा रहा है। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ शॉर्टकट में प्रोसेस दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को पूरा देखोगे तो सब कुछ काम समझ में आएगा एंड तक। अब आप देख सकते हो गाड़ी में चद्दर फिटिंग हो चुकी है और सीलिंग किट लगाई जा रही है गाड़ी में। तो आप देख सकते हो पूरी वाटरप्रूफिंग हो रही है गाड़ी में और पुट्टी भी लग रही है कहीं कहीं। तो वो सब कार्य वाटरप्रूफिंग के लिए किया जाता है, तो वो सब हो रहा है इस सेगमेंट में। और देख सकते हो चद्दर की फिटिंग एकदम प्रोफेशनली कंपनी फिटिंग की गई है। और आगे की तरफ चौरस पाइप भी हमने इसमें लगाया है, जो कि मैं आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। देख सकते हो आप, ये चौरस पाइप है जो 2.5 का चौरस पाइप है, तो गाड़ी को एकदम लग्जरियस लुक देता है। गाड़ी एकदम बहुत ही मॉन्स्टर गाड़ी लगती है इस पाइप को लगने से। और कांच के पीछे 3 एक्स्ट्रा पाइप भी लगाए। तो चद्दर की फिटिंग आप देखो दोस्तों, ऐसी चद्दर फिटिंग आपको ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी। और अब गाड़ी पे हमने कलर भी कर दिया है, तो अब गाड़ी पूरी रेडी होने के बाद आपसे मिलता हूं। आप वीडियो में पूरा एंजॉय कीजिए। सो गाइज, फाइनली गाड़ी रेडी हो गई है, और रेडी होने के बाद आगे के लुक्स आप देख सकते हो बम्पर लगने के बाद, कुछ बहुत ही शानदार लग्जरियस लुक में गाड़ी इस तरह दिख रही है। तो आप देख सकते हो आगे में चैनल है जो कितनी फिनिशिंग से लगाया। पीछे की तरफ बॉडी वर्क देख सकते हो, गाड़ी पहले कैसी थी अब कैसी है। पीछे की तरफ हमने इसमें बम्पर लगाया है जो आप देख सकते हो सेंसर के नीचे लगता है बम्पर। कुछ लोग सेंसर के ऊपर लगा देते हैं और सेंसर को चैनल में लगा देते हैं, तो वो काम नहीं किया गया यहाँ पे, कंपनी फिटिंग को नहीं बिगाड़ा गया है। और कांच के पीछे 3 एक्स्ट्रा पाइप भी लगाई हमने और चौरस पाइप लगाया कांच के ऊपर की साइड। देख सकते हो लाइट के, ब्रेक लाइट के पीछे आप देख सकते हो डंडी वाली पाइप भी लगाई है। अंदर चद्दर देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग से फिट की गई है। कुछ नीम के पत्ते वगैरह पड़े अंदर, उस चीज़ को आप इग्नोर कर देना। और अंदर रबड़ वाली साकल देख सकते हो आप, अंदर लॉक सिस्टम और बनाया गया है। तो आप देख सकते हो चादर की किनार विनार एकदम व्यवस्थित तरीके से फिटिंग की गई है। ये पाइप जो देख सकते हो आप, बहुत ही हैवी पाइप लगाया गया है इसमें, और साइड की बॉर्डर को भी लगाया गया है। तो पूरा वीडियो आपने देखा, आपको काम कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। आप देख सकते हो बहुत ही शानदार गाड़ी लग रही है पीछे की तरफ से। तो गाड़ी आप अगर कैंपर ले रहे हो तो कुछ इस प्रकार की गाड़ी बनवाइए, आपकी गाड़ी बहुत ही शानदार बनेगी। हमारे नंबर स्क्रीन पर है, हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।